वेलकम। टुडे वी विल प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप किस चीज में सफल हुए? व्हाट डिड यू सक्सीड इन? कितना हुआ? हाउ मच इज दैट? मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। माय रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? कृपया यह पता लिख लीजिए। प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस। प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस। आपका जवाब नहीं। यू हैव नो मैच। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। आई विश यू वेल। मेरा सिर चक्कर खा रहा है। माई माइंड इज रीलिंग। रीलिंग मीन्स चक्कर खाना। देखें वह कितने पानी में है। लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। उसकी किस्मत ने पलटा खाया। हिज लक टर्न्ड अ टर्न। तुम्हें यह परिस्थिति से फायदा नहीं उठाना चाहिए। यू शुडंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अनड्यू एडवांटेज मीन्स जो गलत फायदा उठाते हैं उसको कहते हैं। सिचुएशन मीन्स परिस्थिति। उसका दिवाला निकल गया। ही बिकेम बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मीन्स दिवाला निकलना बोलते हैं इसको, या दिवाला हो जाना। किसकी दवा हो रही है और किससे दवा हो रही है? बाई हुम इज ही बींग ट्रीटेड। रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है? विच डेट फॉल्स ऑन संडे। उसके दिमाग में कुछ खराबी हो सकती है या खराबी है। देर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिज ब्रेन। भगवान तुम्हारा भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। मैं 5:30 बजे वाली गाड़ी से पहुंचूंगा। आई शैल रीच बाई 5:30 ट्रेन। जो हो गया सो हो गया। वॉट इज डन इज डन। मोटर गाड़ी पलट गई। द मोटर कार टर्न टर्टल। टर्टल मीन्स कछुआ। ये कछुआ ऐसे पलटता है ना, उससे उससे इसका मीनिंग निकाला गया है यहाँ पर। छुट्टियाँ 10 मई से शुरू हुई होंगी। द हॉलीडे विल बिगिन ऑन 10th May। हाथ को सुधार कर लिखो या फिर हैंड राइटिंग सुधारो। राइट विथ एन इम्प्रूव्ड हैंड और राइट अ गुड हैंड राइटिंग। परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे। मैंने पटना विश्वविद्यालय से BA पास किया है। आई हैव डन माई BA फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आप सफल हो। मे यू सक्सीड और यू कैन से मे यू बी सक्सेसफुल। मैंने उसे चाय पर बुलाया। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। आपकी घड़ी में कितना बजा है? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? हम लोग फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं करते। वी डू नॉट ट्रैवल बाई फर्स्ट क्लास या फिर वी डू नॉट ट्रैवल फर्स्ट क्लास। तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए। यू शुड ईट अ लिटिल लेस। तुम पेटू हो। यू आर अ ग्लूटन। मैं गरम गरम चाय पसंद करता हूँ। आई लाइक फेयरली हॉट टी। उसे हल्का बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। माइल्ड मीन्स हल्का। फीवर बुखार। वह जो कहता है सत्य नहीं है या सच नहीं है। वॉट एवर ही सेज इज नॉट ट्रू। मैंने वैसा ही किया जैसे मुझे कहा गया था। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। जल्दी करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। वह झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई। मेरी घड़ी खराब है। माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर। यह करना ही होगा। इट हैज टू बी डन। वहां की मिट्टी उपजाऊ है। The soil of that place is fertile.
फर्टाइल मींस उपजाऊ होता है। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। बात पक्की हो गई। द टर्म्स वेयर फाइनलाइज्ड। यह दुख की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ सोरो। मेरी उससे बात हुई। आई हैड अ टॉक विथ हिम। यह अजीब बात है। इट इज अ स्ट्रेंज थिंग। शांति रखो। कीप काम और कीप क्वाइट। यह तानाशाही नहीं चलेगी। दिस डिक्टेटरशिप विल नॉट डू। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। वह अपने व्यवहार से शर्मिंदा है। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट पुट मी टू शेम और डोंट शेम मी। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवरजॉयड। मैं आज शाम को आपसे मिलूंगा। आई विल सी यू दिस इवनिंग। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। माई शॉप इज ओपन एवरी डे। नाश्ते का समय क्या है? वॉट इज द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट? कृपया रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दीजिए। प्लीज साइन द रजिस्टर। रोगी को किसने अच्छा किया या रोगी को किसने ठीक किया? हु क्योर द पेशेंट? पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। देर वॉज एन आउट क्राई फॉर वाटर। आउट क्राई मीन्स हाहाकार। किताब हाथों हाथ बिक गई। द बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। माई फेट इज इन योर हैंड। योर हैंड्स भी कर सकते हैं, योर हैंड भी कह सकते हैं। इसे ठठी ठठा मत समझो या इसे हंसी में मत उड़ाओ। डोंट टेक इट एज चाइल्ड्स प्ले। हिसाब कर लो। फाइनलाइज द अकाउंट। थैंक यू सो मच।